Now, for the big moment, may I request our beloved founder president, Mr. Abu Azmi, to kindly address the gathering and delight us with his words. I hand over the mic to our beloved president, Abu Azmi. Farzin and all trustees, sare guests, sare mehman, parents, teachers and students, मैं इस नियाजी स्कूल की सारी क्रेडिट फरजीन चौधरी को देता हूं। मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ स्कूल खड़ा कर दिया, ट्रस्ट खड़ा कर दिया है। बाकी फरजीन और जितने ट्रस्टीज हैं उनकी जिम्मेदारी है इसको आगे तक ले जाना, इसको बढ़ाना। देखिए, एजुकेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बगैर एजुकेशन के इंसान इंसान नहीं बन सकता। मुझे याद है जब मेरे वालिद थे तो हम लोग अपने गांव के पास एक तिब्बिया कॉलेज बनाने के लिए अपने साथियों के साथ कितनी मेहनत किया था उन्होंने। हम लोगों को तालीम दिलवाने के लिए कितनी मेहनत किया था उन्होंने। अगर आज हमारी कोई हैसियत है तो हमें अपने समाज के लिए सबसे पहले एजुकेशन का बंदोबस्त करवाना चाहिए। और एजुकेशन में दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, हमारे बच्चे पहले जाते हैं मदरसों में मजहबी तालीम के लिए, कुरान शरीफ के लिए, हफ्ज़ा के लिए, तो उसके बाद फिर अगर उनको अंग्रेज़ी तालीम नहीं मिलती तो वो दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। उर्दू अरबी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज इस मुल्क में अरबी और उर्दू पढ़ने से आदमी रोजी रोटी से नहीं जुड़ पाता। आज का ज़माना ये है कि आज तालीम याफ्ता लोग महीने का 1-1 करोड़ रुपया तनख्वाह पाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, और अब तालीम की अहमियत बहुत बढ़ गई है। आज के मॉडर्न जमाने में एवरीथिंग कंप्यूटराइज्ड, अगर आज पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो दरवाजा भी नहीं खोल सकता, चल भी नहीं सकता। होना तो ये चाहिए कि एजुकेशन पूरी की पूरी सरकार को फ्री करना चाहिए, लेकिन सरकार 1 रुपया देती नहीं। मैं मुंबई महानगर पालिका की बात करूं तो एक बच्चे को म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ाने का 1 महीने का 5,000 रुपये खर्च होता है सरकार के खाते से, 5,000 रुपीज, और टीचर्स को मिलती है तनख्वाह 50,000 के करीब, बराबर जलीस भाई, उससे भी ज्यादा। और बच्चे टीचर की कहीं कहीं 5-5 क्लास तक है, टीचर 2 या 3, एक ही क्लास में, एक ही क्लासरूम के अंदर 3-3 क्लासेस चल रहे हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। और जो मोदी सरकार अभी आई है, इस सरकार के पास फॉरेन ट्रिप करने के लिए बहुत पैसा है, मोदी को अपनी फोटो लगवाने के लिए बहुत पैसा है, लेकिन एजुकेशन में उन्होंने कई 1,000 करोड़ रुपए आपकी बार बजट में कटौती कर दिया। मुझे लगता है मोदी जी कहते हैं कि चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो पढ़ाई की जरूरत क्या है।
उनके दिले दिमाग में यही होगा मुझे लगता है। मुल्क बगैर तालीम के आगे नहीं बढ़ सकता, और हम सब लोगों को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं एक स्कूल चला रहा हूं जो डॉक्टर जाकिर नायक साहब चलाते थे, गवर्नमेंट ने उनके पे केसेस कर दिए, उनको इस मुल्क से मुल्क में आना उनका वो हो गया, मुश्किल हो गया, आएंगे तो जेल जाना पड़ेगा। वो स्कूल बंद हो रहा था, मैंने जिद करके उस स्कूल को लिया और उस स्कूल में एक बच्चे को महीने की 35,000 रुपये फीस देनी पड़ती थी, 35,000 रुपीज, और 150 तकरीबन 170 बच्चे थे और 101 स्टाफ था। मैंने जब से लिया उसको, मैंने 35,000 से उसको 15,000 पे लाया, और आपको जान के खुशी होगी कि उसका स्टैंडर्ड जो पहले बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें बढ़ा गया और कम नहीं हुआ आज तक। जब पेरेंट्स की मीटिंग होती है, हम पेरेंट्स से बार बार पूछते हैं कि आपको कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है आपको स्कूल मैनेजमेंट से, टीचर से, आप यकीन जानिए एक पेरेंट भी खड़ा होकर नहीं कहता कि हमें शिकायत है, कहता हम बहुत सेटिस्फाई हैं। लेकिन 35,000 रुपए मुसलमान कहां से दे सकता है, अब 15,000 लिया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट कुछ एड दे, गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल मदद मिले तो स्कूल चलाया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट एक रुपया देने को तैयार नहीं, बल्कि गवर्नमेंट तो ट्रस्ट पे चेक करती है, कहीं भी उल्टा सीधा हो तो टैक्स मार देती है। बहुत मुश्किल काम है ये। मैं तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूं, ये स्कूल पैसे कमाने के लिए नहीं बना है, इसमें अगर एक रुपया भी आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल डेवलप करने में लगेगा, बच्चों को पढ़ने में लगेगा। एक रुपया भी इससे प्रॉफिट कोई घर नहीं ले जाएगा। लेकिन हमें स्कूल तक नहीं, हमें महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी बनाना है, और इंशाल्लाह इस हमारी जो सोच है यूनिवर्सिटी बनाने की, इंशाल्लाह बहुत जल्द महाराष्ट्र में एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा है, बहुत जल्द जमीन लेकर के काम शुरू किया जाएगा, ताकि इस मुल्क के अंदर हम माइनॉरिटी को भी हक दिला सके। आज माइनॉरिटीज के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है मुल्क के अंदर, और आज तो आज देख आप देख रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आज चारों तरफ एजिटेशन चल रहा है। अभी मैं 6 दिन के दौरे पे आया हूं विदर्भ से, छोटे छोटे गांव में, छोटे शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, ईच एंड एवरीवेयर, जिस तरह से लोग कहते हैं 1947 के पहले आजादी की जंग थी इस मुल्क में, एक और जंग शुरू हो चुकी है इस देश के अंदर, फिरका परस्ती को खत्म करके, जो आज डिवाइड किया जा रहा है इस देश को मुस्लिम हिंदू के नाम पर, उसके खिलाफ इस मुल्क में फिर से, जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ सारे इस मुल्क में रहने वाले हर धर्म के लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे थे, आज उसी तरह से इस मुल्क में फिर एक बार लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज ऐसा कानून लाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर कि अफसोस की बात है कि पहली मुस्लिम लेडी असम के अंदर जो चीफ मिनिस्टर बनी थी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हाईली क्वालिफाइड, जो एक बार चीफ मिनिस्टर और एक बार राज्यसभा पार्लियामेंट की मेंबर थी, जब मैं पार्लियामेंट में था 2002 में, तो मेरे साथ मेरे हाउस में मेंबर थी वो, और अभी न्यूज आ रही है कि एनआरसी में उन्होंने अपने आप को साबित नहीं कर पाया सिटीजन। सनाउल्ला नाम का एक फौजी, जो फौज में हमारे भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल की जंग में लड़ा था, वो अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर सका और उसे भारत सरकार ने डिटेंशन कैंप में डाल दिया था। फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जो इस देश के सदर जमहूरिया थे, उनका पोता सिटीजनशिप नहीं प्रूव कर सका,
मोदी की अम्मा प्रूव कर लेंगी। लगता है इनके पास सर्टिफिकेट है और किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है। इस मुल्क के हालात है। आज भिवंडी में बहुत बड़ा इसके खिलाफ एहतजाज हुआ है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं, लेकिन मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये वक्त संघर्ष का है। सब लोग इस संघर्ष में शामिल होकर के इस फिरका परस्त सरकार को उखाड़ फेंकने का अज़्म लीजिए जो इस मुल्क से मुसलमानों को निकाल देना चाहती है। और हम सबको अभी देखिए सेतु की तरफ से जो यहाँ कार्यक्रम हुआ, बहुत ज़रूरी। आज देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की एकता भाईचारगी, आज आरएसएस ने इस मुल्क में 2 लाख स्कूल खोल के रखे हैं। 2 लाख स्कूल जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे 6 साल 7 साल 5 साल के बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें सिर्फ मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ सुबह से शाम तक नफरत सिखाई जाती है। और हम अपने स्कूलों में इंशाल्लाह ये सिखाएंगे कि अगर आपके महल्ले में कोई हिंदू रहता है तो मेरे बच्चे जाकर कहेंगे कि आपको अगर खून की जरूरत होगी तो सबसे पहले मुसलमान आपको खून देगा। ये इस्लाम सिखाता है। और मैंने फर्जीन से कहा था कि हमारे स्कूल में बच्चों को ये कह दिया जाए कि जब तुम घर जाते हो बेटा तो जाने के बाद जब दूसरे दिन आओगे तो तुम बताना कि तुम्हारे महल्ले में तुमने कौन सा सोशल वर्क किया, कहीं गंदगी थी तुमने सफाई करवाया कि नहीं, कोई शख्स बीमार था तुम उसकी तीमारदारी के लिए गए थे कि नहीं गए थे, तुमने कहीं भी हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए काम किया था कि नहीं किया था। आज इस मुल्क में अगर भाईचारगी को फैलाना है तो जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ हमें खड़े होकर के जब भी कभी होली दिवाली और कभी गणपति आए तो हर मुसलमान अपने पड़ोसी के पास जाकर कम से कम एक फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी पेश कर दे ताकि भाईचारगी इस मुल्क में कायम रहे। जो लोग आज इस मुल्क के अंदर भाई भाई को लड़ाकर इस मुल्क में हुकूमत करना चाहते हैं इन लोगों के का सपना साकार नहीं होना चाहिए। कहते हैं एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था, गीता के अश्लोक हमारे और कुरान हमारा था, दूध की नदियां बहती थी वो हिंदुस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था और पाकिस्तान हमारा था। नफरत की दीवार गिरा दो, नफरत की दीवार गिरा दो, ये आवाज हमारी है। देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। हम जाते हैं कहीं भी हर 10-15-20 किलोमीटर के बाद, हर 50-100 किलोमीटर के बाद अलग तरह के लोग, अलग बोली बोलने के लोग, लेकिन सब के सब इस भारतवर्ष के नागरिक हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस मंच का फायदा लेकर के कि हम अपने जबान से हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए, हमें भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक सिर्फ भारत कहना चाहिए। हिंदुस्तान बोलना बंद कर दो आप लोग, सिर्फ भारत बोलो। ये भारत है, ये हिंदुस्तान नहीं है। ये जबरदस्ती ये हिंदुस्तान नाम तो पड़ा था नदी के नाम पर, हिमालय पहाड़ से नदी निकलती उसके नाम की वजह से ये हिंदुस्तान नाम है, लेकिन लोग इसको हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। ये मुल्क सेकुलर है। ये लाल हरे पीले गुलाबी बैंगनी और सफेद फूल खिलते हैं तो बनती है बहारे गुलसिता। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और पारसी भी जब साथ चलते हैं तो चलता है मेरा हिंदुस्तान। हमें यह पैगाम मुल्क में देना जरूरी है। हमारे बच्चों के अंदर से नफरत खत्म करना है। मैं खास तौर से सेतु ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इनके प्रेसिडेंट हैं, चीफ हैं इनके, सतीश त्रिपाठी जी, यकीन जानिए आज के जमाने में ऐसा ऑफिसर ढूंढे नहीं मिलता। रिश्वत मना है, नफरत मना है, मगर एक हिंदू ऑफिसर सतीश त्रिपाठी, जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में कभी एक पैसा रिश्वत नहीं लिया, जिसने हमेशा बढ़ चढ़ करके हिंदू और मुसलमानों को दोनों एक आंख से देखा। ये महाराष्ट्र के सरकार के अंदर सेक्रेटरी थे, आईएएस अफसर हैं ये, और बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं इनके लिए तालियां बजवाकर स्वागत करना चाहता हूं। और हम सेतु को यकीन दिलाते हैं कि इनका जो भी काम है, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। स्लम के रहने वाले बच्चे जो बेचारे उनकी हैसियत नहीं है कि वो स्कूल में जाकर पढ़ सकें पैसे, तो ऐसे बहुत सारे काम सिर्फ मुंबई और भिवंडी में नहीं बल्कि परभनी में, नांदेड़ में, औरंगाबाद में,
पूरे महाराष्ट्र में सतीश त्रिपाठी साहब करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा न्यास जो मेरा वो है ट्रस्ट है, हम इस ट्रस्ट के जरिए मुंबई में रोजाना तकरीबन 500 लोगों को दवाई देते हैं, एक्सरे, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, ये सारी चीजें बिल्कुल, इतना कि नो प्रॉफिट नो लॉस, बहुत कम पैसे में मैं वहाँ चलाता हूँ। और हम वहाँ पर कंप्यूटर के क्लासेस चलाते हैं फ्री, विदाउट एक पैसा चार्ज लिए हुए, सैकड़ों बच्चे कंप्यूटराइज की, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेट उनको मिलती है। हम सिलाई मशीन रख के हम गरीब बच्चियों को सिलाई सिखाते हैं। मेरे पास 150 बच्चे ऐसे वहाँ पे हैं जिनसे महीने का 100 रुपया लिया जाता है और उनको कपड़े भी दिए जाते हैं, नाश्ता भी दिया जाता है और उनको फर्स्ट क्लास पढ़ाई देती है। और अभी पिछले महीने स्पेन से लोग आए थे उन बच्चों को ट्रेन करने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए, लड़की औरतें थीं, मर्द थे जिनको फुटबॉल खेलना सिखाना, उनको अंग्रेजी पढ़ना, वो सब आकर फ्री ऑफ चार्ज कई महीने तक वहाँ रह के सिखा के गए हैं। इस तरह के बहुत सारे काम। और अब मैं एक डायलिसिस का सेंटर खोलने जा रहा हूँ, मैंने 6,000 फुट का एक गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाया है, क्योंकि आजकल लोग स्लम में रहते हैं, एक छोटे कमरे में पूरा पूरा परिवार रहता है, पढ़ाई की जगह नहीं है, तो बच्चे उसमें फ्री ऑफ चार्ज आके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे आगे पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह आने वाली दिनों में उसे पूरा किया जाएगा। बस मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस स्कूल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, और कहीं भी जब आप दाखिला लीजिए आइए पूरे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम कीजिए, और आपको लगता है कि हाँ भाई रूल रेगुलेशन हमको जमता है तो एडमिशन लीजिए। मगर मुझे बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं यहाँ से कि कोई आके यहाँ के बदतमीजी करता है, कोई आगे बड़ी गलत बातें करता है, ये सब चीज़ हमारे स्कूल में नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे मेरे बैठे हैं, कितनी फीस देते हैं पता है आपको? एक महीने की 50,000 रुपये फीस देते हैं, और हमारी हिम्मत नहीं कि स्कूल में जाके बात कर लें, घुस के कोई पेरेंट जोर से बोलेगा तो धक्के मार के भगा दिया जाता है। और एडमिशन लेने के 50 से 60 हज़ार रुपये महीने की फीस देने के लिए भी हमें सोर्स लगाना पड़ता है कि हमारे बच्चे को दाखिला कैसे मिले। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी के अंदर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर के न जाने स्कूल में आके क्या क्या बातें करके चले जाते हैं। ये सब चीज़ें, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए स्कूल के अंदर। आप जब एडमिशन लीजिए पूरे रूल एंड रेगुलेशन पढ़िए, आपको ठीक लगता है एडमिशन लीजिए, नहीं ठीक लगता है तो मत लीजिए। लेकिन जिस तरह से शिकायतें मुझे यहाँ से कई जगह से मिली है, मुझे अफसोस होता है कि इस तरह की शिकायतें मुझे आई यहाँ पे। मैं फिर एक बार फर्जीन को और पूरे स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह बच्चों के हमने परफॉर्मेंस देखे, और अरबी इंग्लिश एजुकेशन का स्टैंडर्ड हाई है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे पास चाहे भले 200-300 बच्चे पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़े, लेकिन एजुकेशन का स्टैंडर्ड पे कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। बच्चे पढ़ें बहुत अच्छी तरह से उनको पढ़ाया जाए। टीचर्स का सिलेक्शन मुझे लगता है फर्जीन बहुत अच्छी तरह कर रही है, टीचर्स ट्रेनिंग बार बार होती है, इनका सिलेबस के लिए हमेशा होता है, एक रिसर्च करते रहते हैं बच्चे लोग। तो मैं फिर एक बार सारे टीचर्स को, सारे स्टाफ को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपको यकीन दिलाता हूँ आपके स्कूल में जो चीज़ की भी ज़रूरत होगी बच्चों को पढ़ाने के लिए वो सारी चीज़ें पूरी की जाएंगी। लेकिन स्कूल का स्टैंडर्ड गिरना नहीं चाहिए और पढ़ाई बहुत अच्छी होना चाहिए। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मिस्टर अबू आज़मी साहब, आई शेयर योर विजन because you have a vision that is wonderful, and I am sharing your vision, believe me, and I hope that everybody shares his vision for the love of Mr. Abu Azmi and for Bharat. Big round of applause, sir. Just one or two sentences about our beloved founder. In the words of Deepak Chopra, I repeat, in the words of Deepak Chopra, each of us
is a unique strand in the intricate web of life, and we are here to make a contribution. Thank you, sir, for your priceless, precious, and profound words. We love you, Azmi Saab. I repeat, we love you, Azmi Saab. Your contribution to society is unique and astounding.